तो बातचीत करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? कैरव कुमार भारती। क्या लगता है इस बार का इलेक्शन जो है किस तरह का होगा और कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी? इस बार देखिए इलेक्शन में स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा होगा दोनों ही पार्टी में, भाजपा और कांग्रेस में। बट देखिए हमारे इधर तो अभी भाजपा का ज़्यादा ही चल रहा है कि माहौल भाजपा का बना हुआ। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया उसके बाद क्या लगता है कितना चेंजिंग आया है माहौल में? काफ़ी ज़्यादा। पहले जितने भी वोटर थे कांग्रेस के पक्ष में उसमें 50% भाजपा की तरफ मूव कर गए हैं। तो ये जो बदलाव आया है देश की सुरक्षा के लिए आप कितना ज़रूरी मानते हैं कि सेना को फ्री हैंड हमेशा देना चाहिए? हाँ, इसमें तो कोई मत नहीं है सर, इसमें तो देना जो चाहिए। जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं क्या वो अपना कर्तव्य सही तरीके से नहीं निभा पाती हैं? जैसे कि आप देखें राफेल सौदा होने में इतना समय लगा, अगर राफेल विमान होता तो कुछ और स्थिति होती भारत में। सही बात है। तो आपको क्या लगता है कि राजनीतिक पार्टियों को किस तरह से बिहेव करना चाहिए सेना के प्रति? सेना के प्रति हमेशा फ्री सेना को देना चाहिए और सेना के प्रति सभी पार्टी को मिल के रहना चाहिए। और देश का सर्वोच्च सबसे बड़ी चीज़ हमारी रक्षा करती है सेना, और सेना को सब मिल के सपोर्ट करे। ये नहीं कि सेना के नाम पर हमारे देश में जो राजनीतिक हो रहा है वो कभी नहीं होना चाहिए। और सेना के बाद अगर अभी हमारे सेना के पास MiG-21 की जगह पर अगर राफेल रहता तो अभी पाकिस्तान का कुछ और ही नतीजा रहता। आपका गांव यहां से कितनी दूर है और मतलब कि वहां पे क्या लगता है विकास कितना बदला है 5 सालों में? मेरा गांव यहां से कम 7 किलोमीटर दूर पे पड़ता है। बट अभी हमारे गांव में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है, बट कुछ काम है जो अभी नहीं हो पा रही है। मतलब वहां पे बिचौलिया जो है वही नहीं करने दे रहे हैं, बाकी अदरवाइज़ और हमारे जो MP हैं MLA हैं वो दोनों ही अच्छे हैं। ये जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र था उसने कितना बेनिफिट दिया है लोगों को? जो लोगों के खाते में सरकार कहती है कि बहुत सारा पैसा जो है बिचौलिया खत्म हो गए, भ्रष्टाचार कम हुआ, ये जो वादे किए जाते हैं दावे किए जाते हैं, क्या लगता है कितना बदलाव हुआ है अभी इसमें? तो ये तो नहीं कह सकते 100%, हाँ बट 45%, ये मेरा मानना है कि 45% सुधार हुआ है हमारे देश में, जिससे ताकि कि हमारे इधर के बहुत आदमी हैं जो बिचौलिए वाला काम करते थे वो अभी बेरोज़गार बैठ के घूम रहे हैं। मैंने खुद देखा है और रियलाइज किया इस चीज़ को मैंने भी, क्योंकि हम भी टीचिंग लाइन से हैं तो हमको पता चला। और पहले मैं भी देखता था, चाहे वो थाना हो चाहे प्रखंड में वीडियो वगैरह वगैरह के यहाँ पे भी जाते थे तो वो लोग के यहाँ पे भी बिचौलिया रहते थे, बट अभी वैसा नहीं हुआ है। अच्छा, ब्लॉक लेवल पे जो भ्रष्टाचार है उसको कम करने के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे सरकार को, क्या करना चाहिए? हाँ सर, इसके लिए एक मेडिटेटर हमारे सरकार को यूज करना चाहिए, और जो ताकि जनता के बीच में जाके जनता के जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन करने, और वो लोकल नहीं होना चाहिए क्योंकि देखते हैं कि लोकल लोग जो है वो जुड़ के भ्रष्टाचार करने लगते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए कि अंत में एक टेढ़ा सवाल कि वोट किसको दीजिएगा इस बार? देखिए अभी तक तो मैंने वोट नहीं दिया है, बट इस बार मैंने सोचा है कि वोट दूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं इस बार तो अच्छे नेता, अच्छे कैंडिडेट को देंगे, अच्छे कैंडिडेट को। तो अब देखिए मेरे एम में तो अब कौन बनता है तो मैं बाद में बता सकता हूँ। अभी फिलहाल आपके यहाँ से विधायक कौन है? अभी अशोक कुमार भगत है, महागामा विधानसभा क्षेत्र। महागामा विधानसभा है, झारखंड के अंदर पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। नमस्कार, खाली समय है, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिनंदन जी चाय दुकान पे हैं। सर, ये कौन सा दुकान है और यहाँ की चाय के बारे में जरा बताइए, आपके हाथ में जो है जी, चाय जी भी बिल्कुल है। ये रबानी जी का दुकान है, इनका मंगल हाट जहाँ पड़ता है, हम लोग को प्रसिद्ध है यहाँ का मिर्जा गांव हटिया जी, मवेशी का हाट लगता है, वहीं पर उनका घर पड़ता है, वहीं की निवासी है, उन्हीं का ये दुकान है। बहुत अच्छी चाय है, बहुत अच्छी इनकी व्यवहार भी है। ये चाय की खासियत बताइए कुछ, चाय तो बहुत सारे लोग पिला रहे हैं लेकिन इस व्हाट इज द रीजन पीपल हैव टू कम हियर जी, क्या रीजन है इस चाय की दुकान? चाय का रीजन है सर, सबसे पहले मैं चाय की तो बात की बात है, ये चाय वाले जो हैं जो रबानी जी हैं बहुत अच्छे व्यवहार के इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, सबका कदर इज्जत करते हैं, इसके वजह से यहाँ पहले आदमी आते हैं। और रही चाय की बात तो ये सर बिल्कुल जो कहा जाता है हम लोग देहात में चले सादा कि निभे बाप दादा, तो ये सादा चाय पिलाते हैं। अब हमारे गांव घर के जो पशु का दूध होता है गाय भैंस का, वहाँ ओरिजिनल दूध लाते हैं उसका चाय पिलाते हैं, और कोई तरह के चाय में मिलावट नहीं होती है, और सब दुकान में दवा मिलाई जा रही है स्वाद के लिए टेस्ट के लिए, ये जनरल सादा चाय पिलाते हैं, स्वच्छ चाय पिलाते हैं, इसी वजह से भीड़ जुटती है यहाँ पे। तो ये किस रोड पे स्थित है ये दुकान? ये सर 12 हाट लोकेशन जी, यहाँ का लोकेशन है 12 हाट से 12 हाट 2 पीरपैंती रोड है, ये मेन रोड NH 133। तो आपको भी अगर चाय पीने का दिल करे, कभी घर से दूर निकले हैं, कभी राहों पर हैं, कभी राही बन के, इस दुकान पे आइए और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चाय का जो टेस्ट है, हमारे अभिनंदन जी ने चाय बिल्कुल पिया है, तो पीने के बाद हम लोग बता रहे हैं यहाँ का एक्सपीरियंस, तो ज़रूर आके यहाँ पे चाय पीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर।
नमस्कार, खाली समय है, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिनंदन जी चाय दुकान पे हैं। सर, ये कौन सा दुकान है और यहाँ की चाय के बारे में जरा बताइए, आपके हाथ में जो है जी, चाय जी, भी बिल्कुल है। ये रबानी जी का दुकान है, इनका मंगल हाट जहाँ पड़ता है, हम लोग प्रसिद्ध है यहाँ का मिर्जा गाँव हटिया जी, मवेशी का हाट लगता है, वहीं उनका घर पड़ता है, वहीं की निवासी है, उन्हीं का ये दुकान है। बहुत अच्छी चाय है, बहुत अच्छी इनकी व्यवहार भी है। ये चाय की खासियत बताइए कुछ। चाय तो बहुत सारे लोग पिला रहे हैं, लेकिन इस व्हाट इज द रीजन पीपल हैव टू कम हियर, क्या रीजन है इस चाय की दुकान? चाय का रीजन है सर, सबसे पहले मैं चाय की तो बात की बात है, ये चाय वाले जो हैं, जो रबानी जी हैं, बहुत अच्छे व्यवहार के इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, सबका कदर इज्जत करते हैं, इसके वजह से यहाँ पहले आदमी आते हैं। और रही चाय की बात, तो ये सर बिल्कुल जो कहा जाता है हम लोग देहात में, चले सादा कि निभे बाप दादा, तो ये सादा चाय पिलाते हैं। आप हमारे गांव घर के जो पशु का दूध होता है, गाय भैंस का, वहाँ ओरिजिनल दूध लाते हैं, उसका चाय पिलाते हैं, और कोई तरह के चाय में मिलावट नहीं होती है, और सब दुकान में दवा मिलाई जा रही है स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए। ये जनरल सादा चाय पिलाते हैं, स्वच्छ चाय पिलाते हैं, इसी वजह से भीड़ जुटती है यहाँ पे। तो ये किस रोड पे स्थित है ये दुकान? ये सर 12 लोकेशन जी, यहाँ का लोकेशन है 12 से 12 2 पीरपैंती रोड है, ये मेन रोड NH 133। तो आपको भी अगर चाय पीने का दिल करे, कभी घर से दूर निकले हैं, कभी राहों पर हैं, कभी राही बनके, इस दुकान पे आइए, और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चाय का जो टेस्ट है, हमारे अभिनंदन जी ने चाय बिल्कुल पिया है, तो पीने के बाद हम लोग बता रहे हैं यहाँ का एक्सपीरियंस, तो ज़रूर आके यहाँ पे चाय पीजिए। बहुत बहुत क्या नाम हुआ भैया आपका? अरुण पासवान। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, क्या बदलाव देखते हैं? जो सरकार है पिछले 5 सालों के बाद, अब नया इलेक्शन होने वाला है, कौन सी पार्टी लगता है जीतेगी? पार्टी का भी कोई निमित नहीं है, जितना है 3 गो नेता भैन, लालू यादव भैन, नीतीश भैन, अभी लास्ट में मोदी जी अलो। तो इस बार कौन पार्टी जीतेगी, आपको क्या लगता है? लक्ष्मण यादव मोदी जी का जीतेगा। क्यों, कुछ काम किए हैं? काम तो पहले बार काम किए हैं। अच्छा, ये बताइए कि भाषण जो है कैसा लगता है मोदी जी का? भाषण सुन ठीक लगना। राहुल गांधी और मोदी जी में अच्छा कौन लगता है आपको? मोदी जी, राहुल अच्छा लगना। राहुल भी ठीक लगते हैं? हाँ। मोदी जी भी ठीक लगते हैं, लेकिन देश के लिए आप इस बार वोट किसको देंगे, कौन सी पार्टी जीतेगी, क्या लगता है आपको कौन सा पार्टी जीतेगा, बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस? बीजेपी। और इनसे बात करते हैं, आप यही रहिए, आइए इधर बोलिए, आइए आइए, आप लोग डरिए मत, बोलिए बोलिए बोलिए, आप लोग लीजिए आइए आगे। क्या नाम हुआ आपका? लीजिए हम पूछते हैं, क्या नाम हुआ आपका? चिरंजीव कुमार पास। चिरंजीवी कुमार, बिल्कुल, देखिए कितना नाम आपका अच्छा। ये बताइए कि कौन सी पार्टी इस बार का इलेक्शन जीतेगी? नरेंद्र मोदी जीतेगा। नरेंद्र मोदी, क्या किया है आपके गांव में, कुछ पहुंचा है? बिजली उजली आ गई, उधर रोड बन गए? रोड और बिजली दोनों आ गई है। कहां गांव है आपका? बाकरपुर दियरा। बाकरपुर दियरा, तो बाकरपुर दियरा में विकास की धारा, विकास की गंगा पहुंच चुकी है। एक बात मुझे बताइए कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में आपको अच्छा लगता कौन है? हमको नरेंद्र मोदी अच्छा लगता है। क्यों लगते हैं अच्छे? देश के लिए, गांव के लिए भी ठीक ठाक है। गांव के लिए भी ठीक है? देश के लिए भी ठीक है। तो आपको, आपके जीवन में कुछ बदलाव आया है इस इधर से? रोड वोड कैसा बना है इधर? रोड ठीक बन गया, इधर बन गया। ये जो 12-8 से पीरपैती तक का रोड है, ये इतना अच्छा कभी बना था यहाँ पे? नहीं बना था। तो क्या लगता है, सरकार ने अच्छा काम किया? हाँ, सरकार अच्छा काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ भैया आपका? बबलेश कुमार राणा। घर कहाँ है आपका? शंकरपुर। शंकरपुर घर है। क्या लगता है कि इस बार का इलेक्शन कौन पार्टी जीतेगी? हमको तो लग रहा है बीजेपी पार्टी जीतेगी। क्यों जीतेगी, क्या काम ऐसा कर दिया सरकार ने? सरकार ने काम तो बहुत अच्छा किया है, शिक्षा विभाग है, चिकित्सा विभाग है। ये सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ है पाकिस्तान के अंदर जाके इतने आतंकवादी मारे गए, तो इस तरह से पहले की सरकारों ने इतना मजबूत तो स्टैंड नहीं लिया, तो सेना के लिए आप क्या संदेश देंगे और मोदी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? सेना के लिए संदेश है कि ठीक है, वो लोग देश की रक्षा कर रहे हैं तो ठीक है, और मोदी जी स्टेटमेंट जो है बहुत अच्छा लिए है। चाय कैसी लगी यहाँ की? चाय बढ़िया है, फेमस है यहाँ की। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत आपका। दिवाकर झा। दिवाकर झा, घर कहाँ है आपका? गजहंडा। क्या लगता है किस पार्टी की सरकार इस बार आएगी? हमको तो लगता है कांग्रेस का है। कांग्रेस का आएगा। आपको नेता कौन अच्छे लगते हैं, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी। राहुल गांधी। अच्छा, ये बताइए कि इस बार जो मोदी सरकार है,
वो इलेक्शन नहीं जीतेगी, आपका ये कहना है, ऐसा क्यों? उनका कुछ किसान के बारे में सोच अलग है, किसान के बारे में सोच अलग है। तो राहुल गांधी आएंगे तो कर्ज माफी कर देंगे? कर्ज माफी नहीं करेंगे, किसान के बारे में सोचेंगे, किसान के बारे में सोचेंगे। तो अभी जो गांव में जो ये पैसा नरेंद्र मोदी भेज रहे हैं 2,000 रुपये करके, वो आपके गांव में किसी को पहुंचा है? सुनने में आया 2-4 किलोमीटर को मिला है, 2-4 आदमी को पहुंचा है। तो ये अच्छी योजना नहीं थी? अच्छी योजना ये 2000 से क्या होने जाने वाला है? 2000 से देखिए सरकार जी, सुनिए, किसान जो है ये कह रहा है कि 2000 से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि खर्च बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, 2000 रुपये में घर चलाना बहुत मुश्किल काम है। और आप तो भेज रहे हैं पैसा खेती करने के लिए जो 2000, अगर किसान को 2000 से ज़्यादा रुपये मिले तब वो सोच सकता है कुछ, ये 2000 में बहुत मुश्किल है घर चलाना। अच्छा बाबा एक बार बताइए, सरकार जो है इस बार आपको क्या लगता है पक्का कांग्रेस की आएगी, और यहाँ से कौन जीतेगा, पीरपैंती से या भागलपुर लोकसभा से? भागलपुर, हम तो गोड्डा लोकसभा में हैं। गोड्डा लोकसभा में किसकी स्थिति मजबूत है? प्रदीप यादव की। प्रदीप यादव की जीत जाएंगे इस बार? का मोहम्मद दाऊद। आप ये बताइए कि इस बार का चुनाव जो है कौन सी पार्टी जीतेगी, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस जीतेगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत काम कर रहा है, हम सबका दुख बहुत दे रहा है वो। क्या दिक्कत हो गई नरेंद्र मोदी की सरकार से, आपको क्या मांग करेंगे सरकार से? आप मांग करें नौकरी, हम अभी इंटर किए हैं, हमको नौकरी चाहिए, कोनो छोड़ा में हम विकलांग है, काय हम बहुत फार्म भरे। आपका विकलांग प्रमाण पत्र बन गया? हाँ बन गया, 100% का बना है। तो पैसा आता है कुछ? 1 रुपया अभी तक नहीं आया। क्यों नहीं आया, ब्लॉक गए कभी? 3-4 वाली जा चुके। क्या बोलते हैं, भाग जाओ? नहीं जाते हैं तो खाली बैठा रहता, लिख देता है फिर भेज देता है। तो सरकार जी सुनिए, पीरपैंती विधानसभा, पीरपैंती में आपका ब्लॉक है ना, इनका जो है ब्लॉक में अभी विकलांग का पैसा नहीं आ रहा है, अगर कोई देख रहा है कोई सरकार की तरफ से, तो इनका जो है पैसा वहाँ से पास करवा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए।